Hello everyone, this side Kritika and welcome to Aura. So, आज की रीडिंग है जून के मंथ में रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, मतलब करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका जून के मंथ में, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, और ये रिलेशनशिप का पोटेंशियल कहाँ क्या है, कहाँ स्टैंड करता है ये रिलेशनशिप. सो आपके सामने चार पाइल्स हैं, पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री एंड पाइल फोर. इनमें से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे पाइल, जस्ट गो विद दैट पाइल. आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे जाके अपनी पाइल चेक कर सकते हैं, वहाँ रीडिंग्स आप चेक कर सकते हैं, क्या रीडिंग्स बता रहे हैं टैरो कार्ड्स जून के मंथ में आप लोगों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो वील स्टार्ट फ्रॉम पाइल वन. पाइल वन में हम देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, कैसा रहने वाला है जून का मंथ आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से, और क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप की जून के मंथ में. मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ. इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट एनी पर्सनल सेशन, देन आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी वीडियोज के लिंक मिल सकते हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द पाइल वन. पहले हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर जून के मंथ में. सो जो कार्ड्स आए हैं वो हैं लेजीनेस, स्किजोफ्रेनिया, माइंड, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जून के मंथ में, द लवर्स, एडवेंचर, एग्जॉशन. ये रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहे, क्या पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का, वो भी हम चेक करेंगे. अलोननेस, आइसोलेशन, पॉलिटिक्स. ओके, सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जीज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं. आपकी एनर्जीज जो हमें बता रही हैं कहीं ना कहीं वो ये है कि लेजीनेस हमें बताता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल एक तरह से आप लेजी हो चुके हैं. आपको अब आप ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि रिलेशनशिप में और दिक्कतें आ सकती हैं. आप अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं उस रिलेशनशिप पे जिस तरह से आपको देना चाहिए. ठीक है, मतलब आप अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा हम कहेंगे कि पार्टनर की तरफ थोड़ा ज्यादा अब आप अटेंशन नहीं दे रहे, आप उनको लेकर केयरलेस हो रही हैं. ठीक है, तो हमें दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर केयरलेसनेस दिखा रही हैं, और अब आप एक तरह से उस रिलेशनशिप में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जो होना चाहिए. ठीक है, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा चीजों से उस तरह जिस तरह आपको पढ़ना चाहिए एक रिलेशनशिप से. ठीक है, आपके लिए मतलब एक तरह से चीजें नॉर्मल चल रही हैं और आपको चीजें अफेक्ट नहीं हो रही. भले ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप अफेक्ट नहीं हो रहे हैं उन चीजों से, आपका ध्यान नहीं है उस जगह पर. देन उसके बाद का जो कार्ड हमारा आया था वो था स्किजोफ्रेनिया. ओके, स्किजोफ्रेनिया हमें बताता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि मैं इस रिलेशनशिप में बुरी तरह फंस चुकी हूँ. आप ये फील करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में फंस चुके हैं, और हो सकता है ये आपके लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रहा हो. ठीक है, आपके लिए टॉक्सिक हो रहा हो, और
एक तरह से आपको लग रहा हो कि किसी तीसरे पर्सन, किसी और पर्सन की अब यहाँ पे जगह बन चुकी है, तो मेरी यहाँ वो वैल्यू नहीं रही, इसलिए आप थोड़ा सा चीजों को लेके ज्यादा केयरलेस हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। और हमें दिखाई देता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अब फंस चुका हूँ, या फिर मैं फंस चुकी हूँ, मैं भी यहाँ से, मैं एक भी तरफ अगर मैंने डायरेक्शन ली, ठीक है, अगर मैंने कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ी, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस तरफ या उस तरफ, मैंने कोई भी डायरेक्शन ली तो डेफिनेटली मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं कि आपको ऐसा फील हो सकता है, ओके। लेजीनेस आप इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा आपने ढील दे दी है कि उस तरह फर्क नहीं पड़ता, ओके। उसके बाद कार्ड आता है माइंड। माइंड हमें बताता है कि आप परेशान हैं, आप उस चीज को इग्नोर जरूर कर रहे हैं अपनी लेजीनेस की वजह से कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप परेशान हैं बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आप उस तरह से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे जिस तरह से आपको लगता था कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ठीक है। आप चाह तो रहे हैं कि आपको फर्क ना पड़े, लेकिन आपको फर्क पड़ रहा है, आप बंधे हुए हैं उस पर्सन की यादों से, उस पर्सन की मेमोरीज से, और बुरी तरह हम कहेंगे कि आपने वहां पे खुद को इन्वॉल्व किया हुआ है, आप अपने दिमाग से काम नहीं ले पा रहे, ठीक है। माइंड जो है वो उस तरह से काम कर ही नहीं रहा, कुछ भी और माइंड में नहीं आ रहा सिर्फ इसी टॉपिक के अलावा फिलहाल, बिकॉज आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके आप परेशान हैं, आपको इसी वजह से, अब आप चाहते हैं कि मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब ये दिक्कतें हैं, या फिर एक थर्ड पर्सन, आप ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक थर्ड पर्सन को यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी वजह से आप कहीं ना कहीं चीजों में इतने ज्यादा लेजीनेस कर चुके हैं, आप अपने पार्टनर को लेके इतने लेजी हो चुके हैं, उनकी केयर को लेके, उनकी, उनके लव को लेके, कि अब आप ध्यान नहीं देना चाहते कि इस रिलेशनशिप में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आप फेस बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप वहां से अब उस तरह, वहां पे अब आप उस तरह नहीं रहना चाहते, आप इस रिलेशनशिप में अब उस तरह नहीं रहना चाहते, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि वो बात नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पे अब अच्छा नहीं लग रहा, आपको ये अब टॉक्सिक लग रहा है बहुत ज्यादा, ओके। सो ये एनर्जीज थी आपकी अपने पार्टनर के लिए जून के मंथ में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं जून के मंथ में आपके लिए, ओके। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द लवर्स। द लवर्स हमें बताता है कि अगर आप देखें तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल प्योर हैं, ठीक है, उनके मन में आपके लिए ट्रू लव है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें श्री यंत्र दिखाई दे रहा है जो कि हमें ये बताता है कि ट्रू लव एक तरह से बिल्कुल ट्रू लव है, प्योरिटी है, कोई भी किसी भी तरह का कुछ गलत नहीं है। एक ये देखिए जो हार्ट बना हुआ है इसके अंदर आपको दो फेसेस दिखाई देंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा क्लोज हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक सोलमेट्स जैसा रिलेशनशिप है आप दोनों का, उनकी तरफ से एक तरह से वो आपको बहुत कुछ, अपना सोलमेट, अपना फ्रेंड, अपना लवर, एवरीथिंग, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। मतलब उनकी तरफ से ऐसा कुछ गलत नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, एक तरह से आपकी थिंकिंग ने ही चीजों को हो सकता है बिगाड़ा हुआ हो, ओके। सो ये तो बताता है लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड हमें बताता है कि एक मिरर जैसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में है उस पर्सन को लेके, वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल एक मिरर की तरह है, उस पर्सन ने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया हुआ, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत लापरवाह हो रहे हैं उनको लेकर, ठीक है। यहाँ पे हमें विंग्स दिखाई दे रहे हैं, हार्ट के पीछे आपको विंग्स दिखाई देंगे जो कि हमें बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं, रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, विंग्स बताते हैं हमें, ठीक है। कॉस्मिक कनेक्शन भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों में, और दोनों ही कहीं ना कहीं गॉड से प्रे करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं स्पिरिचुअल पावर को, उनसे प्रे करते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे और प्योर रहे,
मतलब बहुत कुछ अच्छा और प्यारा दिखाई देता है उनकी तरफ से। नेक्स्ट कार्ड जो आया है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए जून के मंथ में, वो है एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर से मतलब ये है कि बहुत कुछ अभी स्टार्ट होना बाकी है। ठीक है, एडवेंचर का मतलब अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली, जब हम एक नई टूर पे निकलते हैं, एक नई ट्रिप पे निकलते हैं, तो डेफिनेटली हमें अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं। एडवेंचर हमें ये भी बताता है कि बहुत कुछ अब हम कहेंगे कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्यूटीफुल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप को उनको बहुत आगे तक लेके जाना है। ठीक है, बहुत आगे तक लेके जाना है। लेकिन वहीं अगर हम थर्ड कार्ड देखें जो कि है एग्जॉशन, तो एग्जॉशन हमें ये बताता है कि वो भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से फिलहाल। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए लव, केयर, काइंडनेस नहीं है। डेफिनेटली उनके मन में, उनके हार्ट में आपके लिए लव है, केयर है, काइंडनेस है, लेकिन ये चीज उनके लिए भी फिलहाल थोड़ी सी टॉक्सिक हो रही है। हो सकता है कि आप बार बार उनसे डाउट्स करते हो, बार बार आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हो, तो वो चीजें उनके लिए काफी ज्यादा उनको खराब कर रही है। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहते और वो यहाँ रह भी नहीं पा रहे इस तरह जैसे रह रहे हैं। इसका यही मतलब है कि चीजें जो हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट हो रही हैं रिलेशनशिप में। वो यहाँ से नहीं निकलना चाहते बिकॉज उनको इस जगह से प्यार है और वो यहाँ रह नहीं पा रहे बिकॉज उनके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को आप पहचानें, बिकॉज द लवर्स का कार्ड जो आया है वो हमें डेफिनेटली बताता है कि उनकी तरफ से ट्रू है सब कुछ, एवरीथिंग इज ट्रू फ्रॉम देयर साइड। सो एक बार सोचें, कुछ भी स्टेप लेने से पहले आप एक बार जरूर सोचें। उसके बाद हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है, ये रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अलोननेस, ये रिलेशनशिप जहां जा रहा है वो एक पॉजिटिव रास्ता जरूर है। ठीक है, आप कुछ थोड़ा टाइम ले रहे हैं चीजों को समझने में, लेकिन आप जहां जा रहे हैं डेफिनेटली आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको वहां एक ब्राइटनेस डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो उसके साथ साथ ये रिलेशनशिप जहां जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें आइसोलेशन, तो हमें पता चलता है ये रिलेशनशिप फंस चुका है। ये रिलेशनशिप फंस चुका है और इतनी बुरी तरह ये रिलेशनशिप फंस चुका है कि काफी टाइम ऐसा होता है, काफी बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, एक दूसरे से ही आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम कहेंगे कि आप उस चीज को रोकर भी एक्सप्रेस करते हैं अकेले में या अपने पार्टनर के साथ में। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप जहां जा रहा है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीज सही है। लेकिन ये रिलेशनशिप जहां फंसा हुआ है वहां पे हमें दिखाई देता है कि दोनों कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कोई पीछे रोकर, कोई सामने रोकर। ठीक है, हमें ये भी पता चलता है कि पॉलिटिक्स का जो कार्ड आया है वो हमें ये बताता है कि हो सकता है जो आपके मन में हो या जो आपके पार्टनर के मन में हो वो आप सामने नहीं आने दे रहे, या फिर रिलेशनशिप जहाँ एग्जैक्टली फिलहाल स्टैंड कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्यार भी एक तरफ से प्यार है, दूसरी तरफ से डाउट्स हैं, लेकिन फिर भी आप वो नहीं आने दे रहे फेस पे, आप फिर भी एक इनोसेंस वाला फेस बना के चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं हो रही। ठीक है, बिकॉज आपका माइंड उस तरह से काम ही नहीं कर रहा, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ या मैं फंस चुकी हूँ बहुत ज्यादा, तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी टॉक्सिक हो रही हैं। जो गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए मैंने निकाला है वो है, वेट, लेट मी पिक अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू गाइज। ओके, गाइडेंस कार्ड इज अबंडेंस। इससे हमें पता चलता है कि आपको जितना जो मिल रहा है रिलेशनशिप में उसमें आप खुद को सेटिस्फाई कीजिए, बैलेंस करके चलिए, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ अच्छा। ऐसा नहीं है कि कुछ रिलेशनशिप में नहीं है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी चलती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं, लेकिन फिलहाल जो मिल रहा है एक दूसरे से आपको उसमें खुद को सेटिस्फाई करिए। ठीक है, चीजों को
ज्यादा नेगेटिव मत लेकर जाइए. डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ट्रू लव करते हैं, वो आपके लिए सोलमेट जैसा एक कनेक्शन है, उनको मत खोइए. दीज वर द कार्ड्स फॉर यू पहलवान. ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. नाउ वील मूव टू पाइल सेकंड. पाइल सेकंड में हम देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, कैसा रहेगा जून का मंथ आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है जून के मंथ में आप लोगों के लिए. सो दिस इज द पाइल वन. देखते हैं आपके लिए क्या, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जून के मंथ में. और ये रिलेशनशिप फिलहाल कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का. ओके सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए जून के मंथ में. सो जो आपकी फीलिंग्स हमें शो होती हैं अपने पार्टनर के लिए वो है ट्रैवलिंग, द नेक्स्ट वन इज साइलेंस एंड द थर्ड वन इज इनोसेंस. ट्रैवलिंग से हमें पता चलता है कि ट्रैवलिंग का कार्ड हमें बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में चलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है. ठीक है, जिस रिलेशनशिप में आप निकले हैं, जिस जर्नी पे आप निकले हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. वहां पे चलना, उस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बार बार मेरे मन में डाउट्स आ रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस भी हो, मतलब आपको काफी तरह की चीजें माइंड में आ रही है, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके मन में हैं, ठीक है, जो कि आपको बार बार क्लियर करने अपने माइंड से बार बार मुश्किल हो रहा है. तो ऐसे थॉट्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं. आपको बार बार ऐसा लगता है कि फिर से लड़ाई, फिर से कोई और नई प्रॉब्लम, फिर से कोई गलत थॉट, फिर से कुछ नेगेटिव, बार बार आपको ऐसा फील हो रहा है. आपको ये लगता है कि मैं कैसे इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी. इतने डाउट्स अगर आएंगे तो डेफिनेटली मन गिव अप करने का करेगा. हो सकता है आप बार बार सोचें कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन स्टिल आपके मन में एक होप है जो कि आपको बताती है कि मुश्किल जरूर है लेकिन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी. जो ऊपर सन है, राइजिंग सन है, वो हमें बताते हैं कि मुश्किल जरूर है लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी. ट्रैवलिंग का कार्ड हमें ये बताता है. ठीक है, पार्टनर को लेके हो सकता है काफी सारे डाउट्स मन में आते रहते हूँ, ये पार्टनर ठीक है या नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, मैं आगे फ्यूचर इस पर्सन के साथ देख सकती हूँ या नहीं देख सकती, फैमिली इश्यूज हो सकता है कि फैमिली में कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, काफी तरह के थॉट्स मतलब आपके माइंड में चल रहे हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है इनोसेंस. इनोसेंस का कार्ड हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं नेचर आपको ब्लेस कर रहे हैं. ओके, नेचर आपको ब्लेस कर रहे हैं. आप बहुत ही सिंसेरिटी के साथ, बहुत ही इनोसेंसी के साथ चीजों को समझ रहे हैं. ओके, आप देखेंगे जो मास्टर हैं ये ग्रास हॉपर से बात कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ही डीपली चीजों को समझ रहे हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बनाकर आप चल रहे हैं रिलेशनशिप में. भले ही आपको लग रहा हो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, लेकिन स्टिल आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहे हैं और एक एक्सपीरियंस्ड, एक मास्टर पर्सन की तरह आप इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं.
नेचर आपको ब्लेस कर रहे हैं, हो सकता हो कि आपके पार्टनर उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, जो कि हमें पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाँ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप कैसे इतना आगे तक चलेगा जितना मैंने सोचा है। स्टिल आप अंडरस्टैंडिंग बना के आगे चल रही हैं, इनोसेंसी के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ आप यहाँ पर चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, आप मास्टर की तरह एक तरह से इस रिलेशनशिप में बड़े बनकर कि कोई बात नहीं, मुझे ही समझना है, मैं समझ लेता हूँ, मैं समझ लेती हूँ, कोई बात नहीं, सामने वाला नहीं समझ रहा, इट्स ओके, मुझे समझना है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, ओके, इस टाइप की फीलिंग्स आपके मन में है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो ऊपर फ्लावर्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे वो हमें बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ और आपके साथ हैं, आपके फेवर में हैं। तो जो आप कर रहे हैं डेफिनेटली आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर आगे चल रहे हैं। देन साइलेंस का कार्ड, साइलेंस का कार्ड हमें बताता है कि जून के मंथ में आप बहुत ही दिमाग से चीजों को, ठंडे दिमाग से चीजों को सोचेंगे। कॉस्मिक कनेक्शन हमें दिखाई देता है, गॉड के साथ आपका कॉस्मिक कनेक्शन जो है वो बना रहेगा, ठीक है, आप बहुत ही सोच समझकर अपने पार्टनर से, मतलब कुछ गलत नहीं कहेंगे, बहुत सोच समझकर बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, अगर आपको कोई बात करनी भी है तो, मतलब आप लड़ाई वाला जो एक माहौल होता है वो क्रिएट होने से बचेंगे, आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे संभाल के और संभल के चलना है। तो ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ से अपने पार्टनर के लिए कि आप चीजों को बहुत ही डीपली शांति से समझेंगे और उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप समझेंगे, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप उस पर पहले थोड़ा सा हम कहेंगे कि आप उस पर पहले थोड़ा सा सोचेंगे, देन आप कोई डिसीजन लेंगे, आप कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे, आप एकदम से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ कर आप चीजों में आगे बढ़ेंगे। सो ये फीलिंग्स थी आपकी अपने पार्टनर के लिए। तो ये हमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये प्लेस उनके लिए ठीक नहीं है, मतलब मैच नहीं हो रहा आपस में, इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाइयाँ भी हो रिलेशनशिप में, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, ठीक है, इमोशनली आप दोनों थोड़े से परेशान रहो या फिर वो थोड़े से परेशान रहें, ठीक है, उनको ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है या फिर शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंसी के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, वो अब लड़ लड़ कर इमोशनली इतना फेस कर चुके हैं कि वो अब और फेस नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है उन्होंने लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर अपने इमोशंस को लेकर जितना भी कुछ फेस किया है उसके बाद अब वो और फेस नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि अब लाइफ जो है वो सिंपल रहे, इस तरह से ना रहे, तो ये चीज़ उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है कि बार बार लड़ाइयाँ होना, बार बार आर्ग्यूमेंट्स होना। ओके, जो थर्ड कार्ड है वो है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन हमें बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ तो डेफिनेटली चल रहे हैं, लेकिन साथ चलना और हाथ पकड़कर साथ चलने में बहुत फर्क होता है, ठीक है, वही चीज़ की वो रिलेशनशिप को कैरी ऑन तो करके रखेंगे, कंटिन्यू तो करके रखेंगे, लेकिन स्टिल उनके माइंड में थोड़े से डाउट्स डेफिनेटली हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अगर हम साथ चलेंगे तो सब कुछ बेटर हो पाएगा या फिर नहीं, वो इस रिलेशनशिप में अपना कंट्रीब्यूशन दे तो जरूर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वो अभी भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि पता नहीं हम दोनों की मैच आपस में प्रॉपर सही तरह से बैठेगी या नहीं। सो ये कार्ड्स थे आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए जून के मंथ में। ओके, ये रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, क्या पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का। सो जब हम ये देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है, उससे हमें पता चलता है कि सक्सेस, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आप दोनों को कहीं से निकाल कर लाया है।
ठीक है, एक तरह से आप दोनों खुश भी हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप दोनों को मतलब आप लोग खुश थे इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप एक सही जगह में सही वे में चल रहा है, ठीक है। हम कहेंगे कि जो भी कुछ एक रिलेशनशिप में होना चाहिए डेफिनेटली वो है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिविटीज चल रही हैं, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ना मिलने की वजह से ये दिक्कतें आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, या फिर फालतू के डाउट्स उठ जाते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जब हम काफी टाइम तक किसी पर्सन से मिलते नहीं ना अपने पार्टनर से, तो हम पुरानी बातों को उठा के बैठ जाते हैं, हम उन्हें सोचने लग जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि वो पुरानी बातें जो होती हैं रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल सही रास्ते पे है, एक सक्सेस के रास्ते पे है, हमें दिखाई भी दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, लेकिन थोड़े से आपके पार्टनर, जहां आप थोड़े से परेशान हो, जहां आपको लगता है पता नहीं आगे कैसा रहेगा, वहीं थोड़ा सा आपके पार्टनर को भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल, तो आप दोनों को एक तरह से सक्सेस मिली है, बिकॉज कोई चीट नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल थोड़े से एक दूसरे के लिए डाउट्स हैं, ठीक है। तो वो डाउट्स जब हट जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है और आप लोगों का रिलेशनशिप डेफिनेटली पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है। ओके, द माइजर, द माइजर हमें बताता है कि पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली है, लेकिन आप लोग अभी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें भी एक्सपेक्टेशंस और हैं कि आप दोनों और एक्सपेक्ट और एफर्ट्स लगाएं और इस रिलेशनशिप को और अच्छा करें। रिलेशनशिप अच्छा तो है, लेकिन फिलहाल की जो रिलेशनशिप की जो एक हम कहेंगे कि नीड है, फिलहाल जो रिलेशनशिप को चाहिए वो और ज्यादा थोड़ा सा अटेंशन है, थोड़ा सा और लव है, जिससे कि रिलेशनशिप सही चलता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, रिलेशनशिप में प्यार, काइंडनेस, लव है, सब कुछ है, लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा और समझने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद कार्ड आता है द सोर्स। द सोर्स हमें बताता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए सोर्स बने हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सोर्स बनकर आगे बढ़े हो। हो सकता है आप दोनों की लाइफ पहले बहुत बेटर नहीं थी, दोनों की ही लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ परेशानियां थी, लेकिन अगर अब देखा जाए कि रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, इस रिलेशनशिप की क्या हेल्प रही है आप दोनों की लाइफ में, तो हमें पता चलता है कि आप दोनों एक बहुत ही नेगेटिव एरिया से एक पॉजिटिविटी में आए हो, ठीक है। मतलब हम ये कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स बने हो, एक दूसरे के लिए ब्राइटनेस बने हो। जैसे सन है वो खुद तो ब्राइट होता ही है और वो सबको रोशनी देता है, वैसे ही आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में रोशनी करी है, एक दूसरे को सपोर्ट करा है, ओके, और आप कर भी रहे हैं जून के मंथ में। इससे हमें पता चलता है कि छोटे मोटे डाउट्स हो जाते हैं, लेकिन कभी आप संभाल लेंगे, कभी आपके पार्टनर संभाल लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों ही समझ के चीजों को बेटर डेफिनेटली करेंगे। These were the cards for you, second pile second. Now we'll move to pile three. Pile three में हम देखते हैं क्या cards हैं, क्या messages हैं आप लोगों के लिए tarot cards की तरफ से। So this is the pile second. सबसे पहले आपकी क्या feelings हैं जून के month में अपने partner को लेकर? और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर जून के मंथ में? इस रिलेशनशिप का क्या पोटेंशियल है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, सो जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं कि आप क्या सोच रहे हैं जून के मंथ में अपने पार्टनर के लिए, वो है प्रोजेक्शंस। सबसे पहला जो कार्ड है वो है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन से हमें पता चलता है कि आप सिर्फ फिलहाल उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
ठीक है, आप फिलहाल सिर्फ उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो पर्सन कैसा है। आपने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो पर्सन अच्छा है, आपने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो पर्सन बुरा है। फिलहाल आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बस देख रहे हैं हर एक स्टेप को उनकी, या फिर उनको बस आप परख रहे हैं फिलहाल कि आपके पार्टनर कैसे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन सब में ये भी बताते हैं कि आप ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि वो बुरे हैं, आप ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि वो अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। जून के मंथ में हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में बहुत से लोगों ने एंटर किया हो, या फिर एक नो कनेक्शन रिलेशनशिप रहा हो, कनेक्शन ना रहा हो, कॉन्टेक्ट ना रहा हो, और अब कॉन्टेक्ट होने लग गया हो, तो फिलहाल आप बस चीजों को परख रहे हैं। वैसे जो चीजें दिखाई दे रही है उससे पता चलता है कि न्यू रिलेशनशिप भी काफी लोगों का हो सकता है। ठीक है, आप बस परख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो पर्सन कैसा है। ठीक है, आप बहुत डीपली उस पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो, या फिर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिक्स खेला जाए या कुछ भी। ठीक है, तो फिलहाल आप बस परख रहे हैं। इसके बाद जो कार्ड आया है वो है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस हमें बताता है कि आप अपने आपको जब आपने परखा हर चीज को, तब आपको पता चला कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक अच्छे पॉजिटिव पर्सन है। ठीक है, वो लोगों को हो सकता है कि आपको पता चले कि उनके मन में उतनी खुशियां नहीं है जितनी वो आसपास बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपको ये फील हो रहा है कि वो पर्सन आसपास, अपने आसपास लोगों को खुश देखना चाहता है, खुश रखना चाहता है, और लोग भी पसंद करते हैं उनके साथ रहना। ठीक है, मतलब जिसको भी आप, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन औरों को खुश रखने में बिलीव रखते हैं, औरों की हैप्पीनेस में बिलीव रखते हैं, और उनको ये वो वहां पे ज्यादा एफर्ट्स करते हैं जहां पे उनको लगता है कि उनकी वैल्यू को समझा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब वो अपने दुखों को छुपाकर लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं अच्छी चीजें, लोगों को उनके साथ बैठना पसंद है। ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो ऐसी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन कितने पॉजिटिव हैं, और औरों को भी उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि डेफिनेटली आप यहाँ से उनके लिए पॉजिटिव सेंसेस जो है वो फील कर पा रहे हैं, और फिर आपको ये लग रहा है कि डेफिनेटली मेरी लाइफ भी इस पर्सन के साथ जैसे ये औरों को खुश रखते हैं या रखते हैं, वैसे ही मुझे भी रखेंगे। ओके, कॉस्मिक कनेक्शन भी है गॉड के साथ इनका। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कॉन्शियसनेस। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से हमें पता चलता है कि आपको ऐसा फील होगा कि उस पर्सन की इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत ट्रू है, बहुत एक तरह से केयरिंग है, लविंग है, लेकिन थोड़ा सा वक्त खराब है। ठीक है, तो आप ये परसीव करेंगे इस चीज को कि पर्सन बुरा नहीं है, थोड़ा सा टाइम ही ठीक नहीं चल रहा। ओके, डेफिनेटली आप उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स फील कर पाएंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा जहां आपको नेगेटिविटी लगेगी उसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये पर्सन शायद अभी भी स्टिल अपने पास्ट में जी रहा है, तो इस टाइप की कोई भी फीलिंग, या फिर ये स्टिल किसी मतलब हम कहेंगे कि यस कहीं ना कहीं पास्ट में जी रहा है पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सब लोग घर में है तो ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन थोड़ा सा पास्ट को लेके, तो चीजें हमें इस टाइप से दिखाई दे रही हैं। तो ये फीलिंग्स आपकी हैं अपने पार्टनर को लेके कि आपको ये लग रहा है कि वो बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम ठीक नहीं चल रहा। ओके, तो नेक्स्ट थ्री कार्ड्स जो है वो हमें ये बताएंगे कि आपकी क्या, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए जून के मंथ में। सो जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है स्लोइंग डाउन।
Okay, slowing down. Sorry. स्लोइंग डाउन से हमें पता चलता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपकी तरफ पॉजिटिविटी में बढ़ रहे हैं. इस रिलेशनशिप में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जहां पॉजिटिविटी है, सक्सेस हमें दिखाई देती है यहाँ पर, लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. तो आप इस चीज के ऊपर ना जाए कि कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे. डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखेंगे, आपको दिखाई देगा कि रिलेशनशिप जो है ये काफी बेटर होता जा रहा है, काफी अच्छा होता जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा. जून के मंथ में हमें दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो काफी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आपके लिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है. और बिना कुछ सोचे समझे अब वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज उन्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है. तो इन चीजों को देखते हुए डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे. जो नेक्स्ट कार्ड है चेंज, उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है बिकॉज उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया. ओके, रिसेप्टिविटी हमें बताते हैं कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने कहीं ना कहीं सब कुछ अब सरेंडर कर दिया है ऊपर वाले पे, ठीक है. ऊपर वाले पे उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया. उन्हें ऐसा लगता है कि अब जैसे ही ऊपर वाला चलाएगा मैं वैसे चलने के लिए राजी हूँ. ये सब ऊपर वाला करवा रहा है, ये सब ऊपर वाले या फिर ये यूनिवर्स ने लिखा है होना, तो मैं इसमें अपना माइंड नहीं चलाना चाहता या नहीं चलाना चाहती. मैं बस अब ऊपर वाले के साथ, उनके स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ. ये सब चीजों को देखते हुए उनमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है. एक पॉजिटिव चेंज जो कि उनको हर तरह से बदलेगा आपके लिए. हर चीज आपको बैलेंस दिखाई देगी अपने रिलेशनशिप में. आपको पता चलेगा कि उनका बिहेवियर जो है, उनका नेचर जो है, उनकी केयर, लव, हर चीज में आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा कि सब कुछ अब बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको खुद ये चीजें फील होंगी कि ये रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, जो कि हमें स्लोइंग डाउन ने बताया, ठीक है. एक चेंज आ रहा है जो कि धीरे धीरे चीजों को पॉजिटिव रास्ते पे लेके जा रहा है. मतलब आपके पार्टनर में एक चेंज आ रहा है जो कि धीरे धीरे उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए उनको हम कहेंगे एक तरह से मजबूर कर रहा है, बिकॉज उनको वहां पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है. उनको वहां पॉजिटिविटी दिख रही है, उनको कुछ ऐसा गलत नहीं दिख रहा वहां पे, तो उनको सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है. दैट्स वाई वो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए राजी हैं और वो बढ़ भी रहे हैं. सो अब हम देखेंगे रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहा है. सबसे पहले तो आता है राइपनेस. राइपनेस हमें ये बताता है कि डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा. थोड़ा सा वेट रखें, डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा. अगर आप कच्चे फल तोड़कर पेड़ पे से खाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है. कड़वे लगेंगे, टेस्टलेस लगेंगे, खट्टे लगेंगे. लेकिन अगर आप उनको ही पकने का टाइम देंगे, जैसा कि यहाँ हमें पता चल रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि टाइम खराब है, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए. जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और एक बहुत ही स्वीट सा फ्रूट आपको डेफिनेटली दिखाई देगा अपनी लाइफ में. मतलब आप उस चीज को फील कर पाओगे कि सब कुछ अब अच्छा हो रहा है, मेरे को एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है मेरे वेट करने का. डेफिनेटली कॉस्मिक कनेक्शन रहेगा गॉड से. यूनिवर्स सब देख रहे हैं, यूनिवर्स सब पॉजिटिव करेंगे भी. थोड़ा सा पेशेंस रखें, ओके. और यही कि ट्रस्ट भी रखें. टोटैलिटी हमें बताता है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई आपको आपके पर्सन को पहचानने में, या फिर आपके पर्सन को आपको पहचानने में, तो डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है. मतलब एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. ऐसा हो सकता है कि आप उनको ऑब्जर्व करने करने में कुछ ऐसी बात कह दो जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा उनको हर्ट कर जाए वो बात. तो ऐसा कुछ आपने नहीं करना. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप शांत है तो आप शांत ही रहेंगे, आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है. बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो आपको उस प्रॉब्लम को होने से बचाना है.
नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरीनेस. ऑर्डिनरीनेस जो है वो हमें बताते हैं कि ये रिलेशनशिप अपने साथ, इस रिलेशनशिप में जितना आप लोगों को जो मिल रहा है आप उसमें खुश रहेंगे. आप और का लालच नहीं करेंगे कि नहीं और एफर्ट्स होने चाहिए और एफर्ट्स होने चाहिए. नहीं, आप दोनों को इस रिलेशनशिप में जो मिलेगा वो भरपूर होगा, ठीक है, वो एक तरह से सफिशियंट होगा और आप दोनों उसमें खुश भी रहेंगे. ठीक है, आप दोनों को ज्यादा का लालच नहीं होगा. भले ही आप आसपास देखेंगे कि आसपास के बहुत से लोग बहुत से रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप में एफर्ट्स में आप सेटिस्फाई रहेंगे. दीज वर द कार्ड्स फॉर यू पाइल थ्री. ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. सो नाउ वील मूव टू पाइल फोर. पाइल फोर में क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, क्या मैसेजेस हैं, क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड्स, कैसा रहने वाला है जून का मंथ रिलेशनशिप का आप लोगों के लिए. सो जो आपकी फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए वो है द आउटसाइडर, द फूल, अंडरस्टैंडिंग. जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं आपके लिए वो है सप्रेशन, न्यू विजन एंड कंप्लीशन. जो इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल है वो है ब्रेक थ्रू, सोरो एंड मोरालिटी. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं. आउटसाइडर, द आउटसाइडर हमें बताता है कि हो सकता है आपको अभी तक ये लग रहा हो कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा चल सकता था, लाइफ में बहुत प्यार और बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा. ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाई बिकॉज आपकी नजर सिर्फ अच्छी चीजों पे है. आपकी आपको ऐसा लग रहा है कि इस डोर पे एक लॉक लगा हुआ है. ठीक है, इस डोर पे एक लॉक लगा हुआ है और ये जो ताला है मैं इसको नहीं खोल सकता, मैं इस लॉक को या इस चेन को नहीं खोल सकता. लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये लॉक जो है ये खुला हुआ है. ठीक है, ये लॉक जो है ये खुला हुआ है. तो जरूरी ये है कि आप ध्यान दें सॉल्यूशन पे, ना कि प्रॉब्लम पे, कि प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा. आप अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और डेफिनेटली आपको इस पिंजरे से जहां आप फंस गए हैं ना, एक तरह से जिस आप वहम में आप फंस गए कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप उस वहम से निकलेंगे. ओके, आप उस वहम से निकलेंगे. आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे आप भी औरों की तरह आपको दिखाई देगा. आप भी और रिलेशनशिप्स की तरह और हैप्पी रिलेशनशिप को फील कर पाएंगे और आप भी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, आप भी अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे. ठीक है, द फूल. उसके बाद द फूल जो है वो हमें ये बताते हैं कि हो सकता है औरों की नजरों में आप गलत स्टेप उठा रहे हो. ठीक है, औरों की नजरों में आप फूल हो. लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि लोग ये कहें कि इसका हर बार कोई ना कोई फायदा उठाकर, ठीक है, अपना टाइम पास करके चला जाता है. लेकिन आप एक सही रास्ते पे हैं, आप लर्न कर रहे हैं. और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप होने दें बिकॉज आप एक सही वे में हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप खुश हैं, आप जिस रास्ते पर हैं वो बिल्कुल ठीक है. औरों के लिए वो कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन आपके लिए वो रास्ता है, एक पॉजिटिव रास्ता है. ठीक है, आप वहां चले, वहां कॉस्मिक कनेक्शन है, वहां सक्सेस है. औरों के लिए आप इडियट हो सकते हैं, हो सकता है लोग आपको इडियट परसीव करें कि इसका दिमाग खराब है, ऐसे नहीं पता. लेकिन आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं. आप पीछे का सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. पीछे का सब कुछ छोड़कर आगे आप चलेंगे, आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई हो, हो सकता है आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आए हो उसके बाद की ये बातें हों. लेकिन आप ये मत सोचिए कि मेरा एक तरह से लोग मुझसे फायदा उठा जाते हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन चीजों से सीखिए बिकॉज आप रोक नहीं सकते. ठीक है, आप कभी कभी किसी पे जब ब्लाइंड फेथ करके चल देते हैं तो आप चल देते हैं,
आप ब्लाइंड फेथ करने वाले पर्सन है, आप पॉजिटिव पर्सन है, आपने अपना रास्ता खुद चुना है, पॉजिटिविटी चुनी है, तो उस चीज में आगे बढ़िए, बिकॉज ये चीज आपको डेफिनेटली सक्सेस देगी और आपको एक पॉजिटिव रास्ता देगी, मैच्योरिटी लाएगी, अंडरस्टैंडिंग लाएगी, आप में पेशेंस लाएगी, बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आप एक बिल्कुल सही रास्ते पे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आप उसी रास्ते पर चलें, ठीक है। सो ये सोच रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए, ओके, कि आप सही रास्ते, मतलब कि ये आपकी फीलिंग्स हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं अपने पार्टनर को लेकर वो ठीक है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो कार्ड्स है जो कि बताते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो है सप्रेशन। सबसे पहले हमें पता चलता है सप्रेशन। सप्रेशन कार्ड हमें क्या बताता है? सप्रेशन का कार्ड हमें बताता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो फिलहाल, ठीक है, थोड़े से परेशान हो वो आपको लेकर, यस, थोड़े से परेशान हो आपके पार्टनर आपको लेकर, थोड़े से टेंस्ड हो उनके ऊपर, थोड़ा सा हो सकता है वो काफी सारी चीजों को एक साथ सोच रहे हों, इतना सब चलते हुए डेफिनेटली वो चीजों को एक नए नजरिए से, एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे। और जहाँ इतने टाइम से वो मतलब उस तरह से फील नहीं कर पा रहे थे चीजों को, या फिर उस तरह से अंडरस्टैंडिंग लव नहीं बिल्ड कर पा रहे थे, अब वो चीजें बिल्ड करेंगे, ठीक है, अब वो चीजें बिल्ड करेंगे और पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी रिलेशनशिप में आती हुई। आपको पता चलेगा कि चीजें बहुत कुछ अलग हो रही हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव फील करेंगे, वो आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है आगे तक का सोचें, उनको ऐसा फील हो कि मैंने आज तक इतनी, मतलब एक तरह से मैंने इतना आज तक एफर्ट्स करा है, तो मैं आज भी कैसे छोड़ दूं, ठीक है। जो रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में उन्होंने आज तक इतने एफर्ट्स करे हैं, वो उसको छोड़ने में बिलीव नहीं रखते, उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे ही इसे कंप्लीट करना है, और वो करेंगे भी, जून के मंथ में डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप फील कर रहे हैं ना अपने पार्टनर के लिए कि अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है और चीजें जो हैं वो ऐसी हो गई हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन स्टिल आप जिस रास्ते पर हैं या फिर आपके पार्टनर जिस भी रास्ते पर हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हो सकता है आपको खुद भी लगे ये चीज कि आपके पार्टनर जो हैं वो ठीक नहीं कर रहे, ठीक है, वो ठीक नहीं कर रहे जो कर रहे हैं लाइफ में, जो स्टेप वो उठा रहे हैं वो ठीक नहीं उठा रहे, लेकिन वो एक सही रास्ते पर है, उनको वो स्टेप उठाने दें, उनको वो काम करने दें जो वो कर रहे हैं, रिलेशनशिप में वो जहाँ चल रहे हैं उनको चलने दें, ओके। कहीं ना कहीं उनको ही फील होता है कि रिलेशनशिप कंप्लीट जो आप दोनों ने किया है आज तक मिलकर इतने मुश्किल से, अब उसको क्यों छोड़ना अधूरा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इसको आगे तक लेके जाना और एक सक्सेसफुल, इसको एक टैग देना, एक सक्सेस का टैग देना है इस रिलेशनशिप को, ओके। अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है जून के मंथ में। सबसे पहले तो हम देखेंगे सौरो और मोरालिटी। सौरो हमें बताते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप में, दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, एक तरह से फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि फंस चुके हैं इस प्रॉब्लम में, यहाँ से नहीं निकला जा रहा, लेकिन दिल भी बंधा हुआ है तो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता जस्ट आपके पीछे है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप कहीं ऐसे स्टक है, तो रिलेशनशिप को वहां से निकालें, मतलब दोनों अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, दोनों लव बिल्ड करें, केयर बिल्ड करें और अंडरस्टैंडिंग बनाकर रास्ता ढूंढें, पॉजिटिव रास्ता ढूंढें प्रॉब्लम से निकलने का।
मोरालिटी हमें बताते हैं कि आप नेगेटिव होते जा रहे, रिलेशनशिप जो हो रहा है वो नेगेटिव होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि अगर इस रिलेशनशिप को सही तरह से नहीं निकाला डाउट से, प्रॉब्लम से, तो दिक्कत आ जाए। तो जरूरी ये है कि इस रिलेशनशिप को वहां से निकालें, जो कि होगा भी, जो कि हमें ब्रेक थ्रू बता रहे हैं कि एकदम से एक पॉजिटिविटी आएगी रिलेशनशिप में, जो कि सब कुछ बदल के रख देगी, सब कुछ चेंज करके रख देगी। आप देख सकते हैं इस पर्सन को, इसने कैसे कांच के टुकड़ों को तोड़ा है। ये एक बैरियर था इसकी लाइफ में, ठीक है, जिसको इसने ब्रेक करा है, और उसके बाद इसमें से बहुत ही इंस्टेंट पावर आई है, बहुत ही प्यारी पावर आई है, जिससे हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप डेफिनेटली, जिस चीज को लेके आप दोनों परेशान है या रिलेशनशिप जहाँ स्टक है, वो बैरियर डेफिनेटली टूटेगा और एक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आएगी। ठीक है, तो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखें, प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, फोकस प्रॉब्लम पे ना करें, सॉल्यूशन पे करें। जो चीज आपको और आपके पार्टनर को परेशान कर रही है उसको निकाल दें दिमाग से, और खुद भी निकले वहां से, अपने पार्टनर को भी निकालें। ऐसी ही एनर्जीज रहेंगी, यही होगा। आई होप और भी अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का चले। दीज वर द कार्ड्स फॉर यू बाय फोर। ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।